हेलो दोस्तों, मंजिल वही है, गाड़ी वही है टियागो, लेकिन मुसाफिर बदल गए हैं। चलिए आपको ले चलते हैं हिमाचल की सुंदर वादियों में। तो ये है हमारे जोशी जी एंड ये है हमारे केटी भाई और ये है हमारे उद्धव भैया जिन्होंने खजियार और हिमाचल का प्लान किया। तो चलिए जर्नी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सुसु करने आए हैं। सुसु के अलावा हम लोग चाय पीने आए हैं यहाँ पे। सुबह की गरम गरम चाय, I think it will make our day। शुरुआत हमने की है। And how much was the price? 97 मजा आ गया, शुरुआत अच्छी हुई है। मजा आ गया है। Eating pan, Bhaiya is making sada pan for us। 430, right? So one way 550. This is January 12th, 428. And अभी हम लोग डलहौजी पहुंच जाएंगे 2 घंटे में। यहाँ पे मैंने पेट्रोल फिल की है और जो डिस्टेंस फिल्म दिखा रहा है 624, 624 दिखा रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। ये एवरेज टोटल है 22.8 इस ट्रिप का दिख रहा है। यहाँ पे अभी कभी जाम लगा हुआ है, कल काफी बर्फ पड़ी थी। अभी हम डलहौजी पहुंचे नहीं है, यहाँ से 2-3 किलोमीटर और है और यहाँ पे बर्फ की वजह से टायर को ट्रैक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही है। हमने क्या प्रिकॉशन लिए वो मैं आपको बाद में शेयर करूंगा। जैसे कि हमने मेंशन किया था, यहाँ पे बर्फ़ पड़ने के बाद जो बर्फ़ है काफ़ी हार्ड हो गया है, तो गाड़ी का जो टायर है वो स्किड कर रहा है। जो डिज़ायर यहाँ पे खड़ी थी वो चढ़ नहीं पा रही थी, तो 3-4 लोगों ने इसे पुश किया है, तब जाके आगे बढ़ी है। लेकिन टियागो को पुश करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी यहाँ पे। थैंक यू बाजी, कोई गाल नहीं। और फिलहाल हम देख लेते हैं कि हमने कितना रन कर लिया और हमें क्या माइलेज मिल रहा है। 631 किलोमीटर टोटल हम लोग रन कर चुके हैं यहाँ पे और 21.3 का एवरेज दिखा रहा है। अब रात की 7:12 हो चुके हैं और सुबह से ड्राइविंग कर रहे हैं हम लोग 6 बजे से। और अगर आप देख पा रहे हो काफी बर्फ पड़ी हुई थी कल, तो थोड़ी देर में हम लोग रिजॉर्ट पहुंच जाएंगे, उसके बाद वी विल हैव फन। यहाँ पे पूरी बर्फ पड़ी हुई है, तो गाड़ी अभी यहाँ पे लगा रखी है हमने। Is it cold, guys? Yes, freaking cold, man. और इस रिजॉर्ट का नाम एल्प्स है, इसका काफी अच्छा फीडबैक था, हमने बुक करा लिया था। रूम्स काफी अच्छे हैं, एनवायरनमेंट काफी अच्छा है, लेकिन खाना थोड़ा बहुत महंगा है यहाँ पे। That is nice. और जैसे ही हम लोग रिजॉर्ट पहुंचे हैं 20 मिनट के बाद वहां पे बर्फ पड़नी शुरू हो गई थी। जो मेरी ब्राउन टियागो है पूरी व्हाइट हो गई है बर्फ से।
और मैं थोड़ा आपको एल्प्स का जो रिजॉर्ट है उसके बारे में बता देता हूँ। ये हमने ऑनलाइन सर्च किया था तो इसका फीडबैक काफ़ी अच्छा था और हमने बुक करा लिया था। तो होटल काफ़ी अच्छा है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बना है। जैसे आप एंटर करते हैं लेफ्ट में बड़ा सा मिरर लगा हुआ है, राइट में यहाँ पे वॉशरूम है, टीवी यूनिट इसको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा और यहाँ से बाहर का व्यू बहुत अच्छा है। और आपको हीटर कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। जनरली अगर आप होटल पे जाओगे किसी तो हीटर वगैरह अलग से चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है। बाथरूम भी काफ़ी अच्छा, नीट एंड क्लीन, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये रूम हमें 2700 का मिल गया था, काफ़ी अच्छा प्राइस है। और हॉस्पिटैलिटी यहाँ की काफ़ी अच्छी है, जितने भी वर्कर्स हैं काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, खाना यहाँ का थोड़ा महंगा है, वही एक ड्रॉबैक है, उसके अलावा सब कुछ फैंटास्टिक है। और इस रिजॉर्ट के फ्रंट का व्यू है, अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो बड़े रूम्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। डलहौजी ऐसी जगह है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ 2-3 दिन आराम से गुजारना चाहते हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। घूमने लायक कोई ज़्यादा यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन पीसफुल 2-3 दिन की लाइफ आप यहाँ पे बिता सकते हो। दिस इज आवर विक्की भैया, ही इज रियली रियली नाइस। आई मीन हमने जो भी ऑर्डर किया इट वॉज इन अ सेकेंड एंड रियली हम्बल। थैंक यू विक्की भैया, थैंक यू सो मच। So he was nice and we loved it. And disappointed, kind of sad as well to leave this place. But finally, nothing is forever. So that's it. We are heading to our car now. और लिटरली हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाएगी। और जितनी भी 4x2 कार्स हैं उनके लिए मुश्किल होनी थी। अगर आप लोग सुबह सुबह निकल जाते हो तो जो बर्फ़ होती है सॉफ्ट होती है तो स्किड होने के चांसेस कम रहते हैं, और जैसे जैसे मेल्ट होती जाती है तो स्किड होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेरी टियागो रात भर बर्फ में पड़ी थी, क्या ये एक सेल्फ में स्टार्ट होगी? वाओ, वन क्रैंक एंड गाड़ी इज स्टार्टेड मैन। और बिलीव मी गाइस, ये पहली बार है इतने बर्फ़ में मैंने गाड़ी चलाई है, इसका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। आप सभी को करना चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि गाड़ी पे आपका कंट्रोल नहीं रहता, गाड़ी स्किड होते हुए जाती है, लेकिन आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, अपनी कार पे भरोसा होना चाहिए। और यहाँ पे जो लोकल टैक्सी वाले हैं आपसे 2000 रुपये की डिमांड करेंगे ताकि आपकी गाड़ी को नीचे मेन मार्केट में जो 5 किलोमीटर दूर है सुरक्षित पहुँचा दें। और बहुत ने ऑफर लिया था लेकिन हमने नहीं लिया, हम 4 लोग थे, अगर गाड़ी अटक भी जाती तो हम पुश कर सकते थे। We had limited time. We had to go to Chamba, Khajiyar, and come back. But it's going to be true, and we're still stuck in Dalhousie because of the snow. And we don't know if we'll able to reach Chamba and then to Khajiyar and come back here because we have a hotel booking here. Let's see what happens. गाड़ी हमारी करीब चल चुकी है 638 kilometers और 20.8 का एवरेज दे रही है। यहाँ पे 5 किलोमीटर ऊपर होटल जो वहाँ पे हमें फर्स्ट गियर पे ही चलाना पड़ा था तो माइलेज काफ़ी कम हुआ है। और ऐसे सिचुएशन पे आपको चारों टायर का जो प्रेशर है कम से कम 20 कर देना चाहिए ताकि जो ट्रैक्शन बना रहे और बर्फ़ पे स्किड ना हो। तो हमने चारों टायरों से हवा निकाल ली थी और मैं हमेशा अपने साथ इन्फ्लेटर रखता हूँ ताकि ऐसे वक्त पे काम आ जाए। जैसे ही हमने बर्फ़ वाला इलाका पार किया है हमने टायर का प्रेशर दोबारा से 33 कर दिया था।
दाल कैसी लगी आपको? Awesome, दाल तो बिल्कुल it's like a, you know, I'm eating in my home. So I will say you must come. ठीक है भैया, थैंक यू, खाना बहुत अच्छा था. अच्छा, ये ब्रह्म ज्ञान गेस्ट हाउस का आपको बोर्ड मिलेगा, बिल्कुल यहीं पे रोक लीजिए. तो अभी हम चमेरी लेक में हैं, देखने में काफ़ी सुंदर है. और दूसरा, आप यहाँ पे मोटर बोटिंग कर सकते हैं, आपको काफ़ी मजा आएगा. So we'll have fun. Yeah. Oh my God. Let's go. Going to the boat. Having fun, guys? Yes. We will have fun. और हमने यहाँ पे मोटर बोटिंग कर ली है, कुछ खा भी लिया है. अब हम लोग जा रहे हैं चंबा की तरफ. चंबा के बारे में मैंने काफी सुना है, लेट्स सी कैसा है. माए नी मेरिए शिमले दी राहें, चंबा कितनी कदूर. शिमले नी वसना, कसौली नी वसना, चंबे जाना जरूर. और मैंने सोचा भी नहीं था कि चंबा इतना खूबसूरत होगा. सबसे पहला इसका पॉजिटिव है, गंदगी बिल्कुल नहीं है, सड़कें आपको बहुत क्लीन मिलेंगी और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है काफ़ी अच्छा है. काश हमें पता होता कि चंबा इतना खूबसूरत है तो यहाँ पर हम लोग ज़रूर एक दिन. मैं बहुत ज्यादा पछता रहा हूं. Right guys, so we are at Khajiar right now. Now, what do you want to say? We finally reached it. Yeah. I must say, darling, I love you. Oh. Wonderful place. Wonderful place. Truly said, this is kind of, you know, mini Switzerland, right? दिस इज पूरी, आलू पूरी.
you can get in Khajiar. Looks nice. This is Bhaiya. Thank you. And if you see, view is really nice, man. इसको मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं एंड इट्स ट्रू. चारों तरफ हरे हरे जो देवदार के पेड़ हैं और बर्फ है, बड़ा सा ग्राउंड है, तो इट्स रियली रियली नाइस. सो मैंने आपको खूबसूरत जगह तो दिखा दी, लेकिन जो मैं आप दिखा रहा हूँ वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है. बहुत सारे लोग खा के जो रैपर वगैरह ऐसे ही फेंकते हैं, ये इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. थैंक्स टू उद्धव, उसने ये इनिशिएटिव लिया, उसने कहा कि ये पड़ा हुआ है उसने डस्टबिन पे डाला. लेकिन यार ये मिनी स्विट्जरलैंड है इंडिया का, काफ़ी अच्छा है, तो उसको वैसे रहने दो यार, इसको बिल्कुल ख़राब मत करो. और दूसरी हिमाचल की मैं अच्छी बात आपको बताऊँगा. यहाँ पे देखिए काफ़ी वर्कर्स हैं, अगर बर्फ़ पड़ती है तो काफ़ी सारे वर्कर आके बर्फ़ के ऊपर मिट्टी डालना शुरू करते हैं ताकि अगर गाड़ी निकले तो स्किड ना हो. और कहीं आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, उत्तरांचल में जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा. और इसीलिए हिमाचल काफ़ी डेवलप कर रहा है और हमारा जो उत्तरांचल है वहीं का वहीं रह गया. ऑलराइट, सो हमारी जर्नी यहीं तक थी, अब हम लोग दिल्ली की तरफ वापस जाएंगे. लेकिन उससे पहले गाड़ी की परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं. इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे ट्रिप्स किए हैं और उस गाड़ी जो टियागो की परफॉर्मेंस है, सस्पेंशन है, ड्यूरेबिलिटी है, स्टीयरिंग कंट्रोल है, माइलेज है, सब कुछ मैंने कवर किया है. आपको देखना है तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आपको वीडियो के एंड में भी लिंक मिल जाएगा. और मेरी गाड़ी करीब 23,000 किलोमीटर चल चुकी है, 2 साल कंप्लीट होने वाले मई में, और उसका ओनरशिप का जो रिव्यू है वो भी पेंडिंग है. और कुछ दिन पहले मैंने फोर्थ सर्विस कराई है और उसमें क्या क्या होता है, कितने पैसे लगे और सर्विस कैसी थी, इसका वीडियो भी अभी पेंडिंग है, बहुत जल्दी आएगा आपके सामने. और जो खजियार का ट्रिप रहा है काफ़ी वंडरफुल रहा है, काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला था. और इतने बर्फ़ पे चलाने का ये मेरा पहला मौका था, तो उससे भी कुछ सीखने को मिला है और हमने काफ़ी ज़्यादा फन किया. और जब भी आप लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो तो एक रिलायबल कार आपके पास होनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा कंसर्न क्या रहता है, कहीं गाड़ी ब्रेक डाउन तो नहीं हो जाएगा, अंडर बॉडी हिट तो नहीं होगा, और माइलेज कितना देगा. टियागो फुलफिल्स एवरीथिंग एज ऑलवेज. तो काफ़ी ट्रिप्स किए हैं मैंने, तो बहुत कॉन्फिडेंस है मुझे टियागो पे, लेकिन आई एम इन लव विद टियागो नाउ. जो मेरा अगला ड्रीम है वो है लेह लद्दाख कवर करने का, बट नॉट अलोन, अकेले नहीं, कम से कम 10 या 15 20 टियागो के साथ. जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे कम्युनिटी के लोग हैं, हम लोग डिसाइड कर सकते हैं अगर कोई जाना चाहता है. और हम लेट्स सी कि अगर टाटा से किसी तरह कनेक्शन बनता है, अगर वो स्पॉन्सर कर सकता है तो गुड टू गो, अगर नहीं करता है तो हम लोग सेल्फ फंडिंग करके जा सकते हैं. मेरा जो नंबर है अबाउट सेक्शन में है, जो भी इंटरेस्टेड है यू कैन कॉन्टैक्ट मी. मुझे पता है इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे बात करके वी कैन मेक इट हैपन. और दोस्तों टियागो 2 लाख से ज्यादा जो सेल है वो कंप्लीट कर चुका है, लेकिन जो हमारी फैमिली अभी छोटी है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज शेयर कीजिए जिसके पास भी टियागो है, जिसके पास भी गाड़ी है, जो भी इंटरेस्टेड है ट्रैवलिंग पे, ताकि यह हमारी फैमिली बड़ी हो सके और हम लोग ज्यादा ट्रैवल कर सके. सुबह के 4:15 बज रहे हैं, खजियार से हम लोग 11 बजे निकले थे, तो हम लोग दिल्ली 4:15 बजे पहुंचे हैं. मैंने दोस्तों को रास्ते में ड्रॉप कर दिया था, उन्होंने ओला लिया और वो लोग अपने घर पहुंच गए हैं. और जो टोटल ट्रिप हमने किया है वो 1449 का किया है, 1449 किलोमीटर हमने कवर किया है, और जो हमें एवरेज मिला है 22.8, कंसिडरिंग थोड़ा बहुत प्लेन ज़्यादा था और हिल्स भी हमने कवर किया है, सो दिस माइलेज इज़ रियली गुड. टाटा टियागो ने दोबारा फिर मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया है. एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारी कम्युनिटी बड़ी हो सके. तो आपसे फिर मुलाकात होती है किसी ऐसी वीडियो में, तब तक बी हम्बल, बी पोलाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.